कि आजा भगवन तुझे में और लगा लूं गले, तेरे बिना मेरा कोई कन्हैया, अब मैं किन को बुलाऊं समरिया, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। सुंदर के चरणों में आस लगा करके मेरे भगवत श्रोताओं, अक्रूर ने जैसे ही तक दिया जाकर के मैया बाबा नंद कन्हैया ने खोल के जैसे ही तक पड़ा है जवाब दिया। मामा ने मुझे अनुष्ठान में बुलाया है, अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं जरूर जाएंगे बाबा। जवाब दिया कन्हैया मत जा, तेरा मामा वेशक है, वो पापी है, वो नीच है, दुराचारी है। जवाब दिया मामा है, बुला रहे हैं मामा के, मैं जरूर जाऊंगा। श्याम सुंदर तो समझ रहे थे मुझे क्या करना है, अनंत समय आ गया है उस नीच का। रोहिणी को ये क्या हुआ कि कल कन्हैया जाएंगे मथुरा, कन्हैया कल मारे जाएंगे। रोहिणी बलराम जहां सो रहे थे, बलराम के पास में पहुंच गए, जगाया बलराम, बलराम तुम चले जाओ। बलराम बोले कहां, अरे तुम यहां से कहीं चले जाओ, कल कन्हैया मथुरा जा रहे। मामा कंस के यहां कल कन्हैया मारा जाएगा, बेटा तू चला जा। जवाब दिया मैया तू कैसी बातें कर रही है, तुझे पता नहीं है हम मेरे कन्हैया में ताकत कितनी है मां, और तू मुझे भगाने की कोशिश करना चाह रही है मां। सुन 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 कि हम झुके और उसी का दर झुके, और जैसे भेड़ी झुक जाती है हमारे पास में मुद्राएं आई हैं फोन के जरिए।
ये दिल्ली के रहने वाले हैं, फोन के जरिए मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं। सौ मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे फोन के जरिए बुरदेश यादव, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। प्रशांत राघव की मरनी में
बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 501 मुद्राएं प्रांसी राघव ये भोजपुर के रहने वाली हैं।